गुड मॉर्निंग ट्रेनिस की कोई पुलिस कर्मचारी पुलिस स्टेशन में जब उसकी पोस्टिंग होती है तो उसको पुलिस स्टेशन की जो वर्किंग के बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है। तो जब भी आप पुलिस स्टेशन में पोस्टेड होते हैं तो आप अपने कुलीग से पूछते हैं या ऐसे करते हैं, पहले आपको मौके पे जब भी आप घटनास्थल पे जाते हैं तो कोई ना कोई चीज वो आपको साक्ष्य के रूप में अपने कब्जा में आपको सीज करनी पड़ती है। तो उसको कैसे सीज किया जाए, कोई मोटरसाइकिल लावारिस हालत में पड़ी है या खून से सना हुआ चाकू आपको रिकवर होता है या टूटा हुआ ताला या जो मारपीट में डंडा प्रयोग हुआ या हत्या के केस में कोई वेपन, कोई भी चीज आप जब अपनी पोजेशन में लेते हैं तो उसको एक मेमो के द्वारा उसको सीज किया जाता है। तो तकरीबन हम जो पीछे सीखते आए हैं तो उसमें कोशिश करें कि जो एक टिपिकल वर्ड्स हैं उनको हम अवॉइड करें। जैसे कि हम किसी चीज को सपोज करो कि ये एक डस्टर है, इसको हम सीज कर रहे हैं तो हम ऊपर लिखते हैं कि जब्ती व मकबूजगी एक अदद डस्टर, तो इन शब्दों को रिप्लेस कर दें। तो उसमें आज फर्द को आप फर्द लिख सकते हैं या सूची भी लिख सकते हैं। तो सूची अधिग्रहण व अभिग्रहण, सूची अधिग्रहण व अभिग्रहण एक डस्टर, एक डस्टर। सूची या फर्द लिख लो, लेकिन सूची लिखें तो इट इज ए एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर यू। सूची अधिग्रहण व अधिग्रहण, अधिग्रहण मतलब उसको सीज करें, अधिग्रहण मतलब उसको आप अपनी पोजेशन में ले रहे हैं, जो कि हम मकबूजगी लिखते हैं। फर्द जब्ती व मकबूजगी को आप रिप्लेस करें और उसमें लिखें कि आप फर्द को सूची में ले लें, सूची अधिग्रहण व अभिग्रहण एक दस्तक। अब आगे उस सूची में या फर्द में क्या क्या बातें लिखी जाएगी वो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा कि वह कौन सी 8 बातें हैं वो जो कि आपको अपनी जो सीजर मेमो बना रहे हैं उसमें आपको कंप्लीट करना है। आपको लर्न करनी है 3 पार्टियों के नाम, TDP, PDP और SP। ये एक तेलुगु देशम पार्टी है और पीपल, ये तेलंगाना में है, ये PDP है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जम्मू कश्मीर में है और SP समाजवादी पार्टी ये UP में है। इन 3 पार्टियों के नाम लर्न करने से आपको जो सीजर मेमो बनेगी आपकी उसमें सारी बातें कवर हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि ये दशक, तो TDP, T से टाइम, D से डेट एंड प्लेस, टाइम डेट एंड प्लेस। जैसे कि हम लिखते हैं कि आज दिनांक इतने बजे सुबह 10 बजे घटना स्थल स्थित PTC का मल्टीपर्पज हॉल में, ये PDP, P से प्रेजेंस, जो किसकी प्रेजेंस में लिया, निम्नलिखित गवाहों के सामने लिखते हैं हम। फिर D से डिस्क्रिप्शन, जैसे सपोज करो ये एक हमारी एविडेंस है, इसको हम सीज कर रहे हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि एक दस्तक जिसकी लंबाई इतनी है और लकड़ी इतनी इंच मोटी लगी है, उसका कलर जो पीला है, इसकी जो स्पंज लगी है उस ब्लैक कलर की है, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन लेंगे आप। और P से पैकिंग, पैकिंग में 3 बातें लेंगे आप, उसको लिफ्ट कैसे किया गया और उसको हैंडल कैसे किया आपने और पैक किस कर रहे हैं कि एक लकड़ी के बॉक्स में या कपड़े की थैली में आप उसको पैक कर रहे हैं। फिर SP, सील एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, सील एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, कि आपने जो आपने वो एक पुलिंदा तैयार किया, पैक जो तैयार किया उसके ऊपर कितनी सीलें लगाई गई, कितनी सीलें लगाई और कौन सी सील लगाई गई, इंप्रेशन सील, इंप्रेशन किसका है, के का है, जे का है, वो आप लिखेंगे। और सील का सैंपल आपने अलग लिया और सील को यूटिलाइज करने के बाद किसको दिया, और आपने जो सूची बनाई सील एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, तो आपने उस सूची पे जो आपके साक्षी थे उनके हस्ताक्षर करवाए और आपने खुद हस्ताक्षर किए या जिसके कब्जे से आपने
मतलब पोजेशन से आपने उसको अपने पोजेशन में लिया, उसके सिग्नेचर करवाए, तो ये आपकी 8 बातें जो है वो हमेशा आपने याद रखनी है कि हाल ही में सरकार ने जो ग्रेजुएट कॉन्स्टेबल है हिमाचल प्रदेश सरकार ने वो उनको इन्वेस्टिगेशन की पावर डेलीगेट की है। तो बहुत सारे बच्चे जो वो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौर से वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कंडक्ट करना शुरू की है, तो मैंने उनको एक छोटा सा ट्रिक्स बता के उनको बताया कि आप जो आप सीजर मेमो वो कैसे तैयार कर सकते हैं। इन 8 बातों को जब भी आपने सीजर मेमो तैयार करना तो 8 बातों को ध्यान में रखना है कि ये हमारी बातें जो वो कवर भी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट सो एवर यू आर डूइंग यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस, डोंट डिपेंड अपॉन अदर। आप रखो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ विदाउट एनी मॉडिफाइड इंटेंशन, लेकिन आपका काम अच्छा होना चाहिए। हिंदी के शब्द प्रयोग करें, उर्दू जो अच्छा है लेकिन जो समय के हिसाब से आप उसमें बदलाव लाएंगे। आप जब भी सीजर मेमो बनाएंगे तो मैंने ये बोला आपको कि सूची अधिग्रहण व अभिग्रहण सेक्शन 102 102 सीआरपीसी के तहत हम किसी भी चीज को सीज करते हैं, 102 कब्जे में लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, और मुझे आशा कि मेरे जो ट्रेनिंग मेरे को सुन रहे हैं उनको इस बात का काफी नॉलेज मिलेगा।